अगर आप एक ही तरह के टिपिकल सालन या कढ़ाइयाँ बना बना कर और खा खा कर थक चुके हैं और उन्हीं सिंपल से स्पाइस के साथ कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं जो कि टेस्ट में डिफरेंट होने के साथ साथ मज़ेदार भी हो, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे धुआं दही गोश्त। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ किरण, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने बीफ ले लिया है 1 किलो, मिक्स बूटियाँ मैंने ली हैं, इसे एक कढ़ाई में डाल लिया है। आप ये देख सकते हैं मैंने प्याज, 2 बड़े प्याज का पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके, इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही सिंपल करके आपको मैं इसे बताऊंगी। नमक 1 चम्मच भर के लेंगे, 1 स्पून ऐड किया है मैंने इसमें नमक। और पानी मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 गिलास डाला है, आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी लीजिएगा कि आपका ये गोश्त गल जाए इतने पानी में। 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी शामिल किया है, इसे मिक्स कर देंगे और इसके लिड कवर कर देंगे। गोश्त को हम बिल्कुल अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे, फ्लेम आपने स्लो रखना है, गोश्त को हमने गलाना है। जब तक आए, क्योंकि हम बना रहे हैं धुआं दही गोश्त, तो हम अपनी दही की तैयारी कर लेते हैं। दही मैंने यहाँ 1 बाउल में ले लिया है, नमक मैंने 1/2 चम्मच लिया है, काली मिर्च भी 1/2 चम्मच शामिल करूँगी और इसे हम अच्छा सा फेंट लेंगे। ये हम तैयार कर रहे हैं अपना दही का रायता। आपको मैं इसकी असेंबलिंग बताऊँगी, एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट का, बहुत ही आसान सा ये सालन बन के तैयार होगा, आप खुश हो जाएंगे। इसे मैंने एक जग में पौर कर लिया है ताकि डालने में आसानी हो। ये सारा रायता हमने इसमें रख लिया है। अब हम आ जाते हैं गोश्त की तरफ। हाफ टेंडर हो चुका है हमारा गोश्त। अब हमने क्या करना है इस पॉइंट पे कि मैंने टमाटर को 2 हिस्से करके तकरीबन मैंने यहाँ 3 से 4 टमाटर इसमें रखे हैं। आपको ये मैं बता दूँ कि इस रेसिपी में टमाटर यूज़ नहीं होते। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसे इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्किन रिमूव कर लें टमाटरों की और इसे अच्छा सा मैश करके इसमें मिक्स कर लें, तो इससे आपकी थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ जाएगी। सालन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ऊपर से मैं इसमें कुछ स्पाइस ऐड करती हूँ। गरम मसाला पाउडर मैंने 1/2 चम्मच डाला है। आपने देखा ना कि मैंने इसमें बिल्कुल मसाले वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं किए। काली मिर्च 1/2 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 1 चम्मच ले रही हूँ। बस हमारी ये तकरीबन कंप्लीट है। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ले लिया है। घी मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच लिए हैं। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, अब इसमें हम गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे। तकरीबन हमारी ये डिश अब तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग बताऊंगी। गोश्त में घी बिल्कुल अच्छी तरह से, जब घी रिलीज हो जाए इससे, तो बस ये इनफ है। गोश्त हमारा पक के तैयार है, इसे डिश आउट कर लें। आप चाहें तो ये प्रोसेस कढ़ाई में भी कर सकते हैं। मैंने इसे डिश आउट करके दिखाया है आपको, ऊपर से रायता पौर कर दूंगी। प्याज के लच्छों से मैंने इसे गार्निश किया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरी धनिया और थोड़ा सा रायता और ऐड किया है। अब हमने सबसे लास्ट काम करना है, एक सुलगा हुआ कोयला ले लेंगे और उसे इस पे रख कर हमने अच्छा सा इसके अंदर धुआं लगाना है। ये देखें, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल आपने ऐड किया और कवर कर दिया। ये लीजिए, हमारा मज़ेदार सा धुआं दही गोश्त बनके बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।